धर्म नगरी कुरुक्षेत्रा के बहुत ही विद्वान व्यक्ति यानी डॉक्टर हिम्मत सिन्हा की आज रसम पगड़ी पे हजारों की संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे। इसमें गैर सरकारी, सरकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर हिम्मत सिन्हा कई भाषाओं के विद्वान थे और उन्हें बहुत सारे ग्रंथ जो है कंठस्थ याद थे। आध्यात्मिक तौर पे भी एक वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। सभी व्यक्तियों ने आज सूक्ष्म रूप से एक डिमांड की कि उनके नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर कोई ना कोई संस्था अवश्य बननी चाहिए। यहाँ तक कि विधायक ने भी इस विषय पर अपनी मोहर लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करने की बात कही। पूजनीय स्वामी हरिओम जी महाराज, परम पूज्य पंडित जी महाराज, शोक सभा उपस्थित बुजुर्गों माताओं, आज हम स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर हिम्मत सिन्हा जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। विधि का नियम जो है उसने जाना अवश्य है, लेकिन समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो अच्छे कार्य करके जाते हैं, समाज उन्हें हमेशा याद रखता है। मैं ये कहूँगा, सिन्हा जी एक कुरुक्षेत्रा के स्तंभ थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना हरियाणा उर्दू अकादमी हो, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हो, कुरुक्षेत्र प्रशासन हो, सदाचार स्थल हो, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो, उनकी स्मृति में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो वो किया जाना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। हिम्मत सिन्हा जी के साथ आत्मिक रूप से जुड़े हुए समस्त देवियों और सज्जनों, किसी ने अपने अनुभव की बात बताई थी, क्योंकि जीवन में बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। किसी ने यह कहा था कि इस धरती पर अनेक लोगों से लोग आते हैं और वो अपनी अपनी ड्यूटी करके ही जाते हैं। तो अपने जीवन में देखा भी होगा, हम उन्हें फ्लोवर बोल सकते हैं। आप यकीन आपको कागज तो नहीं देना चाहेंगे जिनके हाथ से लिखा है, लेकिन उसको आप कैश करके दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अमूल्य फ्लोवर है और स्मृति ग्रंथ को हम आपको पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन एक अनुरोध, 30 जून 2023 तक आप प्लीज़ ये हमें प्रेषित कराएं। हर परिस्थिति में, सफलता असफलता में स्थिर रहता है, सम रहता है, विवेक से काम लेता है। तो ऐसा व्यक्तित्व सात्विक कर्ता के रूप में जाना जाता है। आपका जीवन इसी प्रकार का एक, उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ उनके पास थी और उस स्मृति को से अनेक बातें वो मुझे बताया करते थे। कई बातें तो ऐसी जो मुझे भी नहीं पता थी, वो उनसे पता लगती थी। और गीता प्रेमी थे, हिंदी भाषा के समर्थक और हिंदू संस्कृति के पोषक थे। चंडीगढ़ वॉइस चैनल भी अपनी ओर से डॉक्टर हिम्मत सिन्हा को श्रद्धांजलि और अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता है। और उनकी कमी तो हमेशा खलती रहेगी, लेकिन उनके दिखाया गया रास्ता हमेशा हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा। डॉक्टर सिन्हा शायद ही अब इस धरती पर जन्म ले, क्योंकि ऐसे विद्वान आदमी कभी कभार ही इस धरती पर जन्म लिया करते हैं। ये कुरुक्षेत्रवासियों का सौभाग्य था कि उनका बहुत सारा समय कुरुक्षेत्रा के अंदर उन्होंने अपना बिताया और बहुत सारे अपने उपदेश जो हैं कुरुक्षेत्रा के लिए छोड़ के वो गए हैं। और मैं सभी संस्थाओं से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो एकजुट होकर डॉक्टर साहब की याद में कोई ना कोई ऐसी स्मृति कुरुक्षेत्र के अंदर जरूर बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा ले सके और उनके दिखाए रास्ते पे चल सकें।